सिलेबस का आपको पता नहीं है तो मैं एक तरफ हट जाती हूँ, जिससे आप इस सिलेबस के भी फोटो का स्क्रीनशॉट आप ले पाएं, क्योंकि आप में से कई कहते हैं हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो मैं हट गई हूँ। शायद आप लोग ले चुके होंगे इस दौरान। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जी थैंक यू राकेश। हाँ दिख रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, चलती चलती। कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रही हूं आप वो पढ़ लीजिए, वो 100% क्लियर रखना है। रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। 101% वहां से ही पेपर आएगा। बिल्कुल, अभी जब मैं रीट और सेकंड ग्रेड दोनों को लूंगी तो इसमें मैं अगले वीडियो में रामस्वरूप जी आपको इसके बारे में बताऊंगी। जी सबसे पहली चीज देखिए बच्चों, हमारा ये जो सब्जेक्ट है हिंदी का, वह आप सबको पता है कि सेकंड ग्रेड की बात अगर मैं करती हूँ तो बच्चों सेकंड ग्रेड जो अपना है वो हम बात करें तो टोटल 150, वैसे हम कहें तो 2 पेपर हैं। अब मैं यहाँ बता रही हूँ आप तैयारी कैसे कर सकते हो। एक है राजस्थान जीके वगैरह से जुड़ा हुआ जीके का पेपर, जहाँ 200 आपके क्या आते हैं, अंक आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका है सब्जेक्ट, मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जिसमें मैं बात करूँ 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक का, ये आपका क्या आएगा, रूप। ठीक है, 300 अंक। बच्चों अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप बहुत आराम से ये चीज क्लियर कर सकते हैं। उसमें किसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको यहाँ आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मोटे तौर पर हम इसको कहाँ से बांट सकते हैं और किसमें से क्या क्वेश्चन आएगा। तो देखो, एक आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चों भाषा का, जिसमें आपने देखा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, आपका ये टॉपिक है। एक बच्चों आपका टॉपिक बटा हुआ है काव्य शास्त्र में, या मैं अलग अलग बता रही हूँ किससे कितने क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। हालांकि बताया मैंने पहले भी था, लेकिन उसके बाद अपना चैनल हैक हो गया था, बहुत से बच्चों की यहाँ से समस्या थी, तो वो चीज़ हम बात करेंगे। सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए वो हर बच्चा अप्लाई कर सकता है जो एक ऑलरेडी बीएड हो, उसके पास बीए के अंदर हिंदी विषय होना चाहिए, एडिशनल रूप से हिंदी उसको हो। बिल्कुल लाइक भी आप कर देना और शेयर कर देना सभी के पास। चलिए बात करें अब यहाँ से आगे। एक भाषा आ गई, एक काव्य शास्त्र का पार्ट आ गया, एक अगर बात करें हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपकी, हिंदी शिक्षण विधियाँ एक ये है। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, आप लोगों को पता है टोटल 20 प्रश्न आने हैं और 20 प्रश्न मतलब 40 अंक, ये तो निर्धारण के अंतर्गत ही है आपका। एक बीए का पार्ट है आपका, और उस बीए के पार्ट में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक हम बात करें हमारा व्याकरण है, और व्याकरण की बात करूं बच्चों तो अहम भूमिका निभाएगा, 35 से 40 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे, और 35 से 40 प्रश्न का मतलब है कि 70 से 80, 40 प्लस हो चुके हैं। मैं ये मानती हूँ कि लगभग 40 प्रश्न तक आप ले सकते हो, यानी 40 में कहूँ तो 80 अंक का ये क्या रहेगा आपका रूप। अब मैं बात करूं यहां से आगे की, तो छठा पार्ट, नवी से बारहवीं की पुस्तकें, और एक मैं बात करूं तो साहित्य। हम इनको दोनों को साथ ले सकते हैं, वो कैसे वो भी बताऊंगी और अलग अलग भी। टोटल मैं इन रूपों को लेकर के चल रही हूँ। अगर मैं बात करूँ भाषा, बच्चों भाषा की बात करें, राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी जो है आपकी बोली, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि के दोष गुण, देवनागरी लिपि में किए गए विभिन्न संशोधन, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी में इस पेपर में दर्शन शास्त्र नहीं है,
ठीक है, हाँ बिल्कुल, 2016 में 50 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले एक बार 35 भी आए, तो मैंने ये कह दिया है कि आइडियल 40 आप लो। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ आपको, मैं जितना पढ़ा रही हूँ आपने वो पढ़ लिया, ये डेफिनेट है बच्चों आपका सिलेक्शन वहाँ से होगा। और ध्यान रखना, अब के बाद हम यूट्यूब पर मिलेंगे शाम को 7 बजे ही, ठीक है। ओके मागाराम जी, सेकंड ग्रेड 2018 में 3 नंबर से रह गए थे, कोई बात नहीं, इस बार टॉप में आएंगे, बस रेगुलर लगातार सतत अध्ययन करना है। और हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, जहाँ भी समस्या आएंगे इन चीज़ों को लेकर के अब आएंगे, क्योंकि विज्ञप्ति आ गई है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी में भी अब शुरुआत कर देंगे इस चीज़ की, ठीक है। बीए पार्ट क्या है प्रेम कुमार जी, मैं आपको बताऊंगी, वहां से भी कितने क्वेश्चन है ये भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ आइडियल 40 लिए हैं, कभी 35 भी आए और 45 तक भी पहुंचे हैं जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो भाषा से बच्चों में ये कह सकती हूँ लगभग 6 प्रश्न, एक तो आपका वो जो हिंदी के अंतर्गत वर्गीकरण है, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी से 100% होता है, एक अपभ्रंश से आता है, देवनागरी लिपि में किए गए संशोधन से क्वेश्चन होता ही होता है आप लोगों के, उसके अंतर्गत ब्राह्मी लिपि वगैरह से जैसे आप वो पढ़ते हो, एक जो लिपि का विकास क्रम है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो कहने का मतलब अलग अलग पॉइंट डिसाइड है कि यहाँ से प्रश्न लगभग आ जाता है, तो मैं ये कह सकती हूँ, हाँ बीए वाला जो है वो स्नातक वाला ही है, कि लगभग 6 प्रश्न आपके यहाँ से मिल सकते हैं, 5 से 6, कभी 7 भी हुए, मैंने आइडियल संख्या ली है 6। इसके बाद की बात करें हम यहाँ से काव्य शास्त्र में बच्चों, जैसे आपका छंद है, रस है, मैंने ये ओब्लिक करके लिख लिए हैं, अलंकार, गुण, रीति, इसके अलावा दोष भी है आपके, एक क्वेश्चन दोष से, एक शब्द शक्ति से, बच्चों डेफिनेट सभी से एक 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 प्रश्न तो 101% आएगा ही, छंद से भी, रस से भी, अलंकार से, गुण, रीति, दोष, शब्द शक्ति, यानी लगभग 7 से 8 प्रश्न आप मान सकते हैं, 7 तो सीधे सीधे ही हैं, चलो मैंने मान लिए 8 प्रश्न, हो सकता है किसी एक का और एक्स्ट्रा जाए, 8 प्रश्न हो गए यहाँ से। अब आप देखो 6 और 8 कितने हो चुके हैं, 14, चलो हम इसे राउंड फिगर में कर लेते हैं एक क्वेश्चन और, 15 यहाँ कर लेते हैं, और 20 ये हो गए, 15 और 20 कितने हो गए बच्चों, 35 प्रश्न तो यहाँ आ गए इन तीनों के, ठीक है। तो 35 तो 1 से 3 के हो गए प्रश्न। अब बात करें बीए का पार्ट क्या है और वहां से कितने क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको एक बार बीए वाले पार्ट को थोड़ा बताती हूँ। यहाँ देखिए जरा, अगर हम बीए वाले पार्ट की बात करें, एक तो रामचरितमानस है, तुलसीदास का पूरा बालकांड, मैं आपको एडवाइस दूंगी पूरा बालकांड आप ना भी पढ़े कोई बात नहीं, क्योंकि चारों साल की जो बुकें हैं 9वीं से 12वीं तुलसीदास और तुलसी का बालकांड ऑलरेडी वहां से चल रहा है और एक लंबा पॉइंट है। आप अपनी पोटेंशियल, अपनी शक्ति वहां लगाएं जहां 100% आप क्लियर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 150 में से 150 लें, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई वीक पॉइंट है, कई बच्चे कहते हैं हमें शब्द शक्ति नहीं आती है, क्योंकि ये हमें भी पता है कोई शिक्षक कितना ही पढ़ा ले, जब तक आपको अर्थ नहीं आएंगे आप उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो चीज नहीं आती उससे बढ़िया है कि आप नेगेटिव मार्किंग में जाएं, वहां से बचें। आपका एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर होगा। हाँ नीतू, डेली तो प्रॉब्लम रहती है, आपको पता है मैं भी इंसान ही हूँ, और आपको पता है कि सुबह 7 से और शाम को अब 7:30 रेगुलर क्लासेज जी हैं, तो बाकी भी जिम्मेदारियाँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कैसे ना कैसे आप तक हर कोशिश रहे कि आपके मैं साथ जुड़ी रहूँ, कोई डाउट नहीं इस बात में। तो बच्चों अगर बात करें, एक चीज आपकी तुलसीदास, ये बीए का पार्ट है, कबीर ग्रंथावली, ये बीए का पार्ट है, 5 से 10
मतलब प्रथम पांच अंक के 10 पद इसके अंदर है, साखी वाले इसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी, सूर्यमल मिशन के वीर सतसई है, बिहारी रत्नाकर के दोहे हैं 20, मीराबाई के 20 पद हैं। नो डाउट मैं आपको जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, बिल्कुल 100% पद्य पाठ इनमें से पढ़ाऊंगी। कहानी आप लोग खुद भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से, एक 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 यहाँ से आएगा, सभी से यहाँ से एक एक प्रश्न है। तो 3 और 3 6 हो गए। इसके अलावा एक कामायनी का आनंद सर्ग है 7, अज्ञ का असाध्य वीणा है 8, रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि भाग एक है डेफिनेट आएगा, अब तक उत्साह से आया है यहाँ से। एक क्वेश्चन लहरों के राजंश से, एक उसने कहा था, एक जहां लक्ष्मी कह दे, एक और जिंदगी और एक परिंदे। बेटा ये हैं आपके वो पार्ट जहां से सभी से आपका एक 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 प्रश्न आएगा। अब आप शुरू कर चुके हैं तो कहानियां हैं, आपको नेट पर भी मिल जाती है, जैसे जो बच्चे अपने ऑनलाइन वाले हैं उनको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए। आपने कर्ज लिया है रोशन भाई मीना जी, अब कर्ज लिया है, आई होप आपका ये कर्ज जल्दी ही चूके और आपको नौकरी मिले यहाँ से। तो देखो बच्चों, अब BA के पार्ट की बात करूँ, 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 14, तो 14 से 15 प्रश्न आपके कहाँ से आएंगे, BA के पार्ट से। तो मैं जरा 14 प्रश्न यहां ऐड कर देती हूं, और बच्चों 40 प्रश्न यहां थे, हम यहां पर बिल्कुल इसे एक क्वेश्चन वहां बढ़ा चुके थे तो वो राउंड फिगर में अदरवाइज आ जाता, कोई बात नहीं हम यहां 41 कर लेंगे। अब आप देखो यहां तक के प्रश्न कितने हो गए, तो बच्चों यहां तक देखोगे तो 6 तो भाषा के हो गए, 8 काव्य शास्त्र के हो गए जिसे मैंने 9 कर लिया था, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, 20 शिक्षण विधि के हो गए, BA वाले के चलो 15 कर दिए हैं, और व्याकरण वाले के चलो राउंड फिगर में 41 कर दिए हैं। यानी अगर हम लोग बात करें इतने हिस्से में आपका जो है वो कितने प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी जोड़ लो रे, 6 और 8 14 1 15 15 और 5 20 2 2 और 4 6 1 7 और 2 9, ये हुए हैं बच्चों 90 प्रश्न। 90 प्रश्न मतलब 180 अंक का ये रूप हुआ, और अगर हम लोग बात करें टोटल हुए हमारे 150 प्रश्न, और 150 में से 90 प्रश्न आपके 5 पॉइंट तक हो गए हैं, इसका मतलब अब हमारे बच्चे कितने प्रश्न बच्चों, 60 प्रश्न। इसका मतलब 9वीं से 12वीं के पुस्तकें और साहित्य के कितने प्रश्न आने हैं, 60 प्रश्न, 120 अंक। उसमें भी मैं आपको बता दूं, आपके ये जो असमंजस की स्थिति है कि कैसे ये चीजें होंगी, तो मैं आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगी तो मैं बिल्कुल रीट वगैरह को साथ में लेकर आऊंगी, कि आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखकर चलेंगे तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। ये जाहिर सी बात है हमें टारगेट एक को करना है, तो वो चीजें हैं। ऑनलाइन में मैं करवाती ये सब पूरा हूं, कहानियां आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, पद्य में मैं आपको बिल्कुल उसमें पढ़ाती हूँ, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हाँ भारती सिंह, अगर हिंदी का सिलेबस चेंज भी होता है तो इसमें कुछ चेंज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बुक्स एज इट रहेंगी, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, मेथड पढ़ना ही पढ़ना है, तो हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं होंगी। बिल्कुल आपको 9वीं से 12वीं की पुस्तकें खरीदनी होंगी, आप अपनी पुस्तकों से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो मिस प्रिंट है आपको वो दूर करनी होगी, जो बिल्कुल मैं आपको करती हूँ।
हाँ सिलेबस अच्छा है, अभी मैं उस पर बात करूंगी। अब ये 60 प्रश्न, कई बच्चे कहते हैं यार साहित्य नहीं आएगा, वो तो बुक से आएगा। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ एक सिंपल चीज, आप रघुवीर साय है, कुंवर नारायण है, जयशंकर प्रसाद है, छायावाद के अंतर्गत चारों ही जो आपके स्तंभ है, मैं सूरदास की बात करूँ, तुलसीदास की बात करूँ, बच्चों सारे 9वीं से 12वीं में भी हैं और सारे के सारे साहित्य में भी हैं। अगर आपने साहित्य पढ़ा तो उनका कवि परिचय, लेखक परिचय आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपने वो थ्योरी वहाँ से नहीं पढ़ी तो वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं पर भी शुरुआत होती है तो अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास रखना जरूरी है। जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं आप उसको करेंगे तो बिल्कुल वो क्लियर होगी ही होगी। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था बिल्कुल इस बार वो बुक्स नहीं है, चेंज हो चुके हैं लक्ष्मी। कौन सी बुक है वो मैं आपको बिल्कुल एक बार लेकर के टोटल वो बता दूंगी उसके अंदर। थैंक यू लोकेश जी। रीट में साहित्य आएगा नहीं आएगा इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट में। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से अब कितना है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, ये पूरा का पूरा अगर बात करें तो टोटल इसको डिवाइड किया इन्होंने 180 अंक में, जहाँ मैं बात करूँ टोटल 90 प्रश्न। वैसे कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे मैंने अलग अलग आपको चार्ट बता दिया है। अदर स्टेट वाले जर्नल में यहाँ बिल्कुल काउंट है, जर्नल की जो योग्यता है वो आप पर लगेगी। वर्ण विचार आपके हैं, जिसमें स्वर और व्यंजनों के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से उनका वर्गीकरण, तत्सम तद्भव है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के भेद और उनके उदाहरण, अव्यय आपके हैं, वाक्य के जो शब्दों के क्रम है, वाक्य के भेद और वाक्य के भेद में भी आश्रित उपवाक्य, या आश्रित उपवाक्य जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आप पढ़ते हैं ना, तीन उपवाक्य उसके अंतर्गत भेद में, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण, ये वो है आश्रित उपवाक्य के भेद, यानी पूरा वाक्य रूप। शब्द रचना में समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय है। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समोच्चारित शब्द यानी शब्द युग्म, और वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अर्थ के आधार पर यह आपका पूरा आ जाता है इसके अंतर्गत। शुद्ध लेखन में वर्तनी की शुद्धता है, यानी शब्द शुद्धि है, ये वर्तनी की शुद्धता मतलब शब्द शुद्धि। और वाक्यगत यानी वाक्य की जो शुद्धि है वो। भाषा ज्ञान के अंतर्गत मुहावरे और कहावते यानी लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश या पद्यांश मिलेगा और उनमें से 3 से 4 आपके क्या पूछे जाएंगे प्रश्न। तो ये चीज यहां है। बेटा पुस्तक जो है हिंदी व्याकरण और साहित्य की मेरी दोनों ही अलग अलग है। बेटा इस समय RBSC में महावीर जी NCERT की बुक ही चल रही है, ये सेकेंड ग्रेड का आपका सिलेबस है। आगे देखो भाषा में, यहाँ देखो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, एक क्वेश्चन आता है, और देवनागरी लिपि में सुधार किए गए जो है वो उनका रूप है। अब आ पाठ के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य और पद्य रचनाओं का समावेश आपका किया गया है। अब आप यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि मैम बुक में से बहुत ज्यादा आएगा, अगर नियम से देखो तो यहाँ टोटल 90 प्रश्न है आपके, जिनमें से भी 40 प्लस तो व्याकरण के हैं आप लोगों के बच जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें ये तो जिसमें से 9वीं से 12वीं का पार्ट यहाँ पर आ ही जाता है, आप देख ही रहे हैं इसके अंदर 50 प्रश्न तक भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कभी कभी तो 40 बचते हैं, उसमें भाषा वगैरह ये चीज आ जाती है और अपठित गद्यांश पद्यांश और ये 9वीं से 12वीं का सिलेबस। तो मैं ये कह सकती हूँ लगभग 9वीं से 12वीं में से 35 क्वेश्चन तो आप मानकर चलो ही चलो, वो अलग बात है कि अगर उसने उसी कवि वगैरह की वैसे पूछ ली पुस्तकें तो वो आपको साहित्य का ही लगेगा।
आगे की बात करूं, ये स्नातक स्तर का दूसरा पार्ट है जो 40 प्रश्न का है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो बच्चों शब्द शक्ति, काव्य की रीति, गुण, दोष, और दोष में ये है, अलंकार में ये अलंकार है, छंद में ये छंद है, और रस में ये सारा ही पार्ट है रस का। तो आपको अगर मतलब रस का स्वरूप भी और रस के अवयव, अवयव यानी रस के अंग, अंग की बात करें, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव उनके, तो रस का स्वरूप और रस के अंग उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर आ गया, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और उसकी बोलियां, ये पहली ही यूनिट के अंतर्गत चला जाता है वहां से, तो वो रूप वहां पहुंच जाता है। तो बात करें यहाँ से आ गए आपके 7 से 8 प्रश्न और 15 प्रश्न यहाँ से आए थे, तो मैं बात करूँ सीधे सीधे 20 से 25 क्वेश्चन साहित्य से पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? तो ये चीजें यहाँ, इसके बाद बात करें तो बच्चों ये है शिक्षण विधियां जो 40 अंक आपको वहां नजर आ रहे हैं, यानी 20 प्रश्न यहाँ बहुत सिंपल है। अगर कहें आपकी सीधी विधियां अनुकरणात्मक है, इकाई है, प्रत्यक्ष है, व्याकरण है, सीधा इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 25 क्या है आपकी विधियां। इसके अलावा भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल है, सूक्ष्म शिक्षण योजना है, दैनिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना की अवधारणा और उनका प्रारूप, यानी पाठ योजना कैसे आप बनाएंगे, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, भाषा शिक्षण के ये जो कौशल है, मतलब आप लोग प्रस्तावना कौशल वगैरह जो है वहां से ये रूप है इसके अंतर्गत। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग है और भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन है। ये पूरा का पूरा है आपका 20 प्रश्नों का, जो यहाँ से सीधे सीधे आप क्या करें पढ़े तो बिल्कुल इसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें हम यहाँ पर आगे, बिल्कुल जो पद्य पाठ है